दोस्तों अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से प्यार करते हैं, आपका भी फोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपके फोन के रिगार्डिंग एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो हर एक स्मार्टफोन यूजर को काम आने वाली है। जैसे कि आपको पता है स्मार्टफोन चोरी होना आम बात हो गया इंडिया में, तो ऐसे में अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं, फिर आपका फोन मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आप इस ट्रिक के बाद आप लोग खुद से अपने फोन को ढूंढ पाएंगे। अगर आपका फोन खो गया या चोरी हो गया तो चोर क्या करता है, आपका फोन स्विच ऑफ कर देता है। बट इस ट्रिक के बाद अगर वो स्विच ऑफ कर भी दे रहा है फिर भी आप अपने स्मार्टफोन को ट्रैक कर पाएंगे कि आपका स्मार्टफोन है कहां पे खोने के बाद या चोरी होने के बाद। कमाल की इंफॉर्मेशन होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि क्या पता कब आपका फोन खो जाए या गिर जाए या कहीं चोरी हो जाए। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा लाइफ काम आने वाला है, आपका फिर फोन कभी खोएगा नहीं आपसे, आपका प्यारा फोन कभी दूर नहीं जाएगा। मेरे तो मेरे लिए फोन बहुत प्यारा है भाई, मैंने तो इसमें कर रखा है वो ट्रिक, आप भी कर दीजिए तुरंत। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां बताऊंगा डिटेल्स में जो कौन सी ट्रिक है, कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका फोन कोई चोरी कर लेता है तो उसके बाद क्या करेगा, वो सिंपली आपका फोन यूज करके स्विच ऑफ कर देगा, यहां से स्विच ऑफ कर देगा। उसके बाद क्या होता है, हम ट्रैक नहीं कर पाते नॉर्मल फोन्स में, अगर आपने ये सेटिंग नहीं किया तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे स्विच ऑफ होने के बाद। बट अगर मैं एक ट्रिक बता दूं जिसके अगर चोर स्विच ऑफ भी कर दे रहा है उसके बाद भी आप फोन ट्रैक कर पाएंगे, कितना कमाल की बात है, क्योंकि फोन आजकल बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है। मेरे भी खुद 3-3 फोन खो गए, आज तक कोई सा फोन नहीं मिला, बट अगर आप कोई सा फोन खोएगा तो मिल सकता है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आप लोग ये एप्लीकेशन क्या नाम है एप्लीकेशन का। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन इस तरह से मिलेगा, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटिंग्स, अगर आप सेटिंग नहीं सीखेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आप लोग यहां पे नेक्स्ट टैप करना है, यहां पे एक और ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, आप लोगों को फिर नेक्स्ट टैप करना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है देखिए दोस्तों iOS के लिए मतलब एंड्रॉइड फोन के लिए, तो ठीक है गेट स्टार्ट, गेट स्टार्ट पे करने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन मांग रहा है, तो आप लोग को यहाँ से इस ऐप को परमिशन दे देना है। ठीक है दोस्तों आप लोग को सिंपल यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग को इस एप्लीकेशन को परमिशन देना है। परमिशन में देने के लिए उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेड ऐप, यहाँ पे एक हैमर का नाम का ये रहा हैमर, आप लोग क्या करना है इसको परमिशन अलाउ कर देना है। ठीक है दोस्तों ये जेन्युइन ऐप है, आप लोग यहाँ पे अलाउ कर देना है। फिर आप लोग को यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे ये रहा, इसको भी अलाउ कर देना है। तो आप लोग को जितना ही परमिशन मांगे आप लोग को इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है एक्टिविटी मतलब एक्टिव करने के लिए, हाँ भाई एक्टिव कर देंगे इस एप्लीकेशन को। एक्टिव करने के बाद देखिए उसके बाद आपका ये परमिशन मांग रहा है, हाँ ठीक है मैप भी सब कुछ परमिशन दे देंगे इसको अलाउ। तो अलाउ करने के बाद देखिए अब यहाँ पे आ गया अलाउ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन पे टैप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकेशन टैप करने के बाद देखिए दोस्तों ऑल यहाँ पे लिखा है अलाउ ऑल द टाइम, मतलब हरदम के लिए आपका ये ऐप काम करे, तो कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो सकता है तो इसके लिए आप हरदम ऑन रख सकते हैं। ऑन रखने के बाद हो गया दोस्तों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद एक बार और बैक करना है, अभी हमें बैक करना है, ठीक है ओके अब हमें बैक कर देना है। यहाँ पे होम आ रहा है, हम होम पे टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक प्लस का निशान दिख रहा होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों अब आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है नेम ऑफ योर कॉन्टैक्ट, मतलब आपका कोई सा भी नाम डाल देना, ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देता हूँ, आप लोग चाहे तो कॉन्टैक्ट में से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मैं नाम भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा रवि, ठीक है रवि डाल दिया। आप लोगों को यहाँ पे एक अपना नंबर डाल देना, अभी बताऊंगा, आप लोगों को अपना ही नंबर डालना दूसरा, ये काफ़ी जो इमरजेंसी में कॉल लग पाए, खुद ही फ़ोन करेगा हम कुछ नहीं करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर डाल देना, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। ठीक है अब मैं क्या करूँगा सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। हो गया दोस्तों अब हमारा इस ऐप का काम, यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पे एक और बना सकते हैं चाहे तो, मैं बैक कर दूंगा उसके बाद हम होम पे आ जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया। उसके बाद क्या करना है देखिए, हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया है, उसके बाद क्या करेगा आपका फ़ोन अगर चोरी भी हो गया तो चोर क्या करेगा, सिंपली आपका फ़ोन खो गया या चोरी हो गया तो क्या करेगा, सिंपली यहाँ से लेगा आपका फ़ोन यूँ करके स्विच ऑफ कर देगा, यहाँ से स्विच ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों वो देखिए लग रहा है ना कि आप देखिए ये हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, चोर भी कुछ इसी तरह से करेगा। उसके बाद ये आपका फ़ोन देखिए, चोर कहेगा हाँ भाई स्विच ऑफ हो गया, आप यहाँ से ऑन कीजिएगा, फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, चोर को लगेगा कि हाँ ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। बट मैं बता दूं दोस्तों कि ये फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है, ये फ़ोन एक ट्रिक उसी ऐप का काम है जो मैंने बताया था कि अभी हमारा फ़ोन लग रहा है स्विच ऑफ हो गया, बट ये ऐप
स्विच ऑफ नहीं हुआ है, ये फोन एक बार क्या स्क्रीन ऑफ हो गया, स्क्रीन ऑन करने कैसे पड़ेगा, चोर को लगेगा स्विच ऑफ हो गया, वैसे में आप ट्रैक कर सकते हैं अपना फोन। तो चोर क्या करेगा, अपने जेब में रख लेगा। तो आपको ट्रैक करना आता है नहीं आता तो कमेंट करें, मैं ट्रैक करना भी बता दूंगा किस तरह फोन ट्रैक करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग को फोन ऑन कैसे करना है, अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग को फोन चार्ज में लगा लेना है, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे एक कोड डाल देना है, कोड डालना है दूसरे मोबाइल से, आप लोगों को अपने मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज कर लेना है तो फोन आपका नॉर्मल ऑन हो जाएगा। टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपको दूसरे फोन से अपने नंबर पे एक बार टेक्स्ट मैसेज कर लेना, नहीं तो आप लोग को अपना फोन चार्ज में लगा के एक बार ऑन करना है। चार्ज में लगाते ही तो ये आपका फोन स्क्रीन ऑन हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपना चार्जर जब यहाँ पे लगाऊंगा तो हमारा फोन ये ऑन हो जाएगा। ये तो चोर को ट्रिक पता ही नहीं होगा। तो हमारा फोन सिंपली देखिए, फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है दोस्तों, सिंपली फोन ऑन है हमारा। बट अगर चोर को पता ही नहीं होगा, अगर चार्ज आप छोड़ा देंगे उसके बाद ये फोन ऑन ही नहीं होगा, तो ऑन करने के लिए आप लोगों को एक बार चार्ज की जरूरत है, नहीं तो जो स्क्रीन पे मैंने कोड बताया ये कोड दूसरे फोन से आप लोगों को अपने फोन पे डायल कर लेना है, उसके बाद सिंपली आप लोगों को अपना लॉक खोल लेना है। तो ये था दोस्तों इस ऐप का काम, जिससे आपका फोन अगर खो भी जाता है तो आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, चोर को लगेगा कि आपका फोन स्विच ऑफ हो गया है। यहाँ पे देखिए, अगर कोई स्विच ऑफ यूं करेगा तो ये फोन लगेगा कि स्विच ऑफ हो गया, देखिए स्विच ऑफ हो रहा है ना, बट ये फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है, वो जो ऐप का काम हुआ है कि आपका फोन का स्क्रीन ऑफ कर दिया। चोर को लगेगा कि हाँ भाई देखिए, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी लॉक लगा लो, कितना भी खोल लो, ये फोन खुलेगा नहीं। बट आपको क्या करना है, अपने घर पे एक बार चार्जर लगाना है अपने फोन में, देखिए कुछ इस तरह चार्ज लगा के, नहीं तो कोड जो मैंने स्क्रीन में बताया यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा है, ये कोड डायल कर देना। देखिए जब भी आप चार्ज लगाएंगे आपका फोन ऑन हो गया सिंपली। कैसी वीडियो लगी कमेंट कर जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनते हैं वीडियो को। अगर आपका मन में कोई भी सवाल है टेक्निकल को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये एप्लीकेशन का नाम है, चलिए मैं इस एप्लीकेशन का आप लोगों को नाम बता देता हूँ, और नहीं तो आप लोग देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को एप्लीकेशन का नाम ये है, ट्रैक इट एवन इट इज ऑफ, ये आप लोग को सर्च कर लेना है, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर देना। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, वंदे मातरम।